dostum kaçmıyor. Daha kadın bakıyor. Bütün çarşı kartı yazdım bu yıl. Ucun siz yatıyor ki bak şey namaşlarım. Ben şey restoran yaptım. Anda yok edin orası ve uskiyi buraya kalkmış esnaya. Bu arada nasıl şey bu sonra sahne saatleri mali pasak makyarı korku var. Ben bıçı adak vereceğim. Ve yapmaya vadet amcudu sen. Yok öğrenip adıya bana kılın değil namaşlar. Tane bir rapor dayı ki uski jo bachi jo wo board mein girls high school nawashar mein 8th class ki talba hai wo time se uski mother rahul ye tum board karne wale uske saath kuch rasta hui 8 saal ko bachi jo hai girls high school ke liye apni uniform mein likhi to soma tareeb ko 7:30 baje ke qareeb wo mother rahul ek gaadi lekar aaya aur usko bachi ko yahan se ghumne phirane ke liye chandiani side pe le gaya uske saath एक ड्राइवर और दो लड़के और वो भी गाड़ी में सवार थे फ्रंट सीट पे थे। तो ये बच्ची को लेकर गया उधर चंडियाली रोड पे वहाँ एक वीराने में उसके दोस्तों को उतार कर खुद इस रजावत दोस्तों ने उस बच्ची नाबालिग बच्ची जो 13 साल हो उसकी 8वीं जमात की तलब है उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ जिंसी ज्यादती की। वो बच्ची को वापस आकर फिर घर के पास उतार कर चला गया। बच्ची ने खामोशी पकड़ी जब बच्ची की माँ को पता चला 10 तारीख को वो उससे वालद के नोटिस में लगाया और बच्ची को 10 तारीख रिपोर्ट के लिए आए। उसके वालद की मदियत में थाना नवाशहर में मुकदमा रजिस्टर हुआ। इस वाक़े पर जनाब जी हमारे डी जी साहब ने और डी पी ओ साहब ने नोटिस किया। मेरी सरप्राइज में एस ओ आमिर खान नवाशहर और तफ्तीश शोबे के इंचार्ज गुरवैस खान एस आई पर एक अपील दर्ज की थी जिन्होंने अनथक मेहनत करके चांदी घंटों बाद जो मरकजी मुलजम था मैन रजावत उसको गिरफ्तार कर दिया। उसको गिरफ्तार करने के बाद उससे अपनी इंटरोगेशन में उसके जो दीगर साथी शरीक बाजार मुलजमान सहूलतकार वो कि मुजनसी जाति में मुलवस नहीं लेकिन सहूलतकार के तौर पर वो इन्वॉल्व थे और रिपोर्ट में नामजद हुए। उनमें से फिर दूसरा मुलजम फैजान और काबिश ये दोनों मुलजम भी गिरफ्तार किए। तीनों मुलजमान इलाका मुशर्रफ की कोर्ट में पेश करके उनको एक एक जो कस्टडी पे वापस इन्वेस्टिगेशन के लिए थाना नवा शहर के वाले हुए। वो अब इसमें मजीद तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह पुलिस की साइड से किसी किस्म की कमी पेशी होगी तमाम तर मसायल इसमें करके मुलजमान को इंशाल्लाह कैफियत के अदालत तक पहुँचाया जाएगा। और इसमें वकूए में इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ी है XLI 30 नंबर वो भी रिकवर है। अब सिर्फ इस मुकदमा में सिर्फ एक मुजरिम की गिरफ्तारी जो है वो शाकिर की जो सरदार ही है उसकी बताए इंशाल्लाह चंद मिनट तक इंशाल्लाह मौके वो भी हो जाएगा। तो मजीद इस पर इंशाल्लाह 30 मिनट में जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई पे कार्रवाई को अवामी हरकों ने बड़ा सराया है कि 8 तारीख का वाक्य और रिपोर्ट हुआ है 2 दिनों बाद 10 तारीख को। तो जो चंद घंटों में वो मैन मुजरिम मरकजी जिससे बच्ची को जिनसी तशद का निशाना बनाया वो अरेस्ट हुई और ऐसे करने में कुल 4 मुलजमान नामजद हैं जिसमें 3 गिरफ्तार हैं और 1 मुलजम की गिरफ्तारी में गए हैं। अस्सलाम वालेकुम।